Good morning. Welcome to online class. We started all classes English grammar. आज हम पढ़ेंगे prepositions, मतलब संबंध सूचक शब्द. ये वह शब्द हैं जो किसी noun या pronoun के पहले अक्षर का संबंध वाक्य के रूप में शब्दों से कराते हैं. तो वो देखते हैं prepositions. ये prepositions related the noun एंड प्रोनाउन. नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम. फॉलोइंग इट टू अनदर वर्ड इन द सेंटेंसेस. वे शब्द या शब्दों के समूह जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच के संबंध को दर्शाते हैं प्रीपोजिशंस कहलाते हैं. ठीक, तो चलिए उदाहरण से समझेंगे. एक उदाहरण है कि मैं एक होटल में रुका, तो उसको कैसे कहेंगे कि आई स्टेड. स्टे मतलब रुकना. आई स्टेड एट अ होटल. तो इसमें दोनों नाम संज्ञा और सर्वनाम दोनों चीजें आ रही हैं. ठीक, संज्ञा यानी मैं और सर्वनाम यानी होटल में रुकना. नेक्स्ट, वो बस स्टॉप पर खड़ा था. He was standing at the bus stop. इसमें भी संज्ञा सर्वनाम दो चीजें आ रही हैं. Next, Rahul works at the store. राहुल एक स्टोर में काम करता है. इसमें संज्ञा आ गई राहुल और सर्वनाम आ गया, किसी की विशेषता बता रहा है यानी स्टोर में काम करना. ठीक है, तो ये कहलाते हैं प्रीपोजिशन. इसमें आपको दो चीजों का ध्यान रखना, एक संज्ञा होना चाहिए और दूसरा सर्वनाम. ठीक है, देखिए अब आपके बहुत इजी वे में आपको प्रीपोजिशन समझाने जा रही हूं. अब देख लीजिए, इन इन वाले जो शब्द हैं जिसमें इन से शुरू होते हैं, ये भी होते हैं प्रीपोजिशंस में. तो फर्स्ट है इन द मॉर्निंग. ठीक है, सेकंड इन द आफ्टरनून. थर्ड इन द इवनिंग. इन जनवरी यानी माह के नाम. इन अप्रैल. इन द मॉर्निंग. ठीक, नेक्स्ट शब्द आता है ऑन. ऑन भी है प्रीपोजिशंस में. ऑन मंडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन संडे, ऑन 24th जनवरी, ऑन अप्रैल एंड ऑन संडे. इसी प्रकार एड आता है. एट में भी है एट 12 o'clock, एट 6 p.m., एट नून मिडली, एट midnight एंड एट dawn. Prepositions of place are used to show the position or location of one thing in the relation to another. इसमें विशेषता संबंधों के बारे में बताया जाता है. ठीक, इसमें दो वस्तुओं के मध्य जो संबंध है वो दर्शाया गया है. तो इसमें देखिए ऑन, इन, एट एंड अंडर. तो इसके बीच में ऑन आ बस. इसमें ऑन और बस ये दो शब्द हुए. ऑन द वे, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ऑन अ शिप, ऑन अ प्लेन, ऑन अ ट्रेन, ऑन अ बाइसिकल, ऑन अ मोटरबाइक, ऑन अ हाउस, ऑन अ हॉर्स, एन एलिफेंट, टेलीविजन, ऑन द सेकेंड फ्लोर. ठीक, ऑन के साथ जो शब्द जुड़ा है ये दो शब्द. ठीक, इसी प्रकार इन, इन अ कार, कार में, इन अ टैक्सी, टैक्सी में, इन अ पार्क स्ट्रीट, इन अ रो, इन द स्काई, इन द न्यूज़पेपर, इन अ लिफ्ट, इन अ बोट, in a helicopter, in a bathroom, in a Paris, in the bird or in the kitchen. Next, at. That is a preposition. At reception, at the side, at the bottom, at the top, at college, at university, at school, at work, at home, at the door, at a concert, at the dinner. Next, under. Under is a preposition. Under a tree. Under यानी tree यानी पेड़ के नीचे. Under the table, under the chair, under the bed, under a. ठीक है, तो ये
प्रपोजिशंस हैं जो आपको याद करने हैं। देखिए अब एक्सरसाइज, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फीलिंग एट फॉर ऑन और इन। आपने अभी जो पढ़ा है उसके लिए एक्सरसाइज दे रही हूँ, इसको आपको लिखना है और हल करना है। ठीक कि माय सोनी गोस डैश अ बस, आपने अभी जो पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था, अभी इन पढ़ा, ऑन द ऑन बस या एट अ बस, तो ये आपको इसमें भरना है। ठीक है ना, तो सबसे फर्स्ट वर्ड था ऑन, ओके ऑन बस। वी हैड टू राइट इट डैश, ये आपको तीन शब्द में से पोजिशन में से रखना है, इन एट और ऑन। ठीक, ये आपको होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, आप इसको करिए। चलिए रीड द वर्ड्स, सबसे पहले शब्दों पे ध्यान देना है आपको, शब्द हम जो बोल रहे हैं और जो आप देख रहे हैं जो लिख रहे हैं वो बहुत जरूरी है। ठीक है, लर्न प्रीपोजिशंस, लर्न यानी आपको याद करना है, सीखना है कि कौन से शब्द होते हैं, एंड प्रैक्टिस, है ना, यह इंपॉर्टेंट दैट द मैटर इज प्रैक्टिस। ऑल्सो राइट द वर्ड टूडे ऑनलाइन क्लासेस, आज की ऑनलाइन क्लास में आपने जो भी शब्दों को सीखा समझा आपको कॉपी में लिखना, लर्न करना, पढ़ना आना चाहिए। ठीक, आज के लिए इतना ही।